हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस का आंसर देने जा रही हूँ, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में मेरे वीडियोस को देखने के बाद में आए, तो मैंने सोचा जो मेरे पास क्वेश्चन आया है वो एक वीडियो के थ्रू मैं आंसर करूँ। तो अभी जस्ट मैं अपने ऑफिस में हूँ, ये देखिए ये मेरा ऑफिस है, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे उसी की बात नहीं करती हूँ, मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो मैं आपसे हर तरह की बात करने वाली हूँ और अपने अच्छे बुरे हर तरह की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास में एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ही ऐसे सिमिलर 9 क्वेश्चन मेरे पास आए, तो उसका आंसर मैं देना चाहूँगी कि मैम मैं अनमैरिड हूँ और मुझे जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत कम आता है, बट मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है और आपको ये प्रॉब्लम कितने टाइम से हो रही है, आपने कौन से डॉक्टर को दिखाया, आपने क्या कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हो, आपका खान पान कैसा है, आप जंक फूड खा रहे हो या घर का खाना खाते हो, घर का खाना में आप क्या खाते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जब तक मैं ये सब नहीं जानूंगी मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग मुझसे PCOD से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए गाइस, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं गायनोवेदा का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, गायनोवेदा मुझे अच्छा लगा पर्सनली, मुझे फ़ायदा किया, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बना के आप लोगों तक बताना मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सी लेडीज़ हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो कम से कम अगर मेरे वीडियो के थ्रू मेरे रिव्यूज़ के थ्रू अगर उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो गायनोवेदा जो है उनके पास में स्किन केयर से लेके वेट से लेके शुगर की मेडिसिन से लेके PCOD PCOS से लेके ट्यूब ब्लॉकेज जो होता है उससे लेके नेचुरल प्रेगनेंसी से लेके हर चीज़ के उनके पास में मेडिसिन है। तो आपको एक बार उनसे ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि पता है मुझे जब अल्ट्रासाउंड में माइनर PCOD आया था तो मुझे तो लग गया था, क्योंकि हमको क्या पता यार माइनर क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, आई डोंट नो, तो मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने गायनोवेदा की डॉक्टर से कंसल्ट किया था, डॉक्टर आरती मैम है जिनसे मेरी बातचीत होती है, तो मैम ने मुझे एक ही बात बोला था कि आंचल बिल्कुल नहीं, आपको PCOD उतना है ही नहीं जो आप PCOD PCOS का मेडिसिन खाओगे। और दूसरी चीज़ क्या हुई थी ना कि मैं जब यहाँ ऑफलाइन में दिखाती थी डॉक्टर्स को, तो उनको दिखाने पे वो लोग मुझे सिंपल सा बोलते थे ये टेस्ट करवा के लाइए, आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, आपको ऐसा है, मतलब इतने टेस्ट करवाना, मतलब एक डॉक्टर के पास गए डॉक्टर चेंज किया फिर से दोबारा वही चीज़ करना, तीसरे के पास गए तीसरे के पास भी सेम चीज़ करना। अब मेरे बोलने का मतलब हमको भी कोई शौक तो है नहीं कि हम डॉक्टर्स बदलें, लेकिन हमको कहीं से कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना, अगर वो रिजल्ट नहीं आता है तो डेफिनेटली हम फिर सर्चिंग करते हैं कि भैया हमको कहाँ से रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि अगर आप लेडी हैं और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो हम आगे कुछ सोच ही नहीं सकते। तो उस आगे को सोचने के लिए हमको डॉक्टर से ऑब्वियसली बातें बात करना चाहिए। और हम जो ऑफलाइन में डॉक्टर मैंने तो जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया गाइस, मुझे मतलब वो बैठ के अच्छे से बात करेंगे, प्रॉब्लम सुनेंगे, तब तो हम उनको बताएंगे भैया मेरे को ये दिक्कत हो रही है, बट वो सुनते ही नहीं थे। तो उस कंडीशन में मुझे भैया गायनोवेदा की आरती मैम बहुत अच्छी लगी, इनफैक्ट मैं उनका एक पेज है, मैं उसको भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा उसको, वो पेज में आप जाइए, आप उस पेज में भी अपने क्वेश्चन पुट करेंगे आपको आंसर्स मिलेंगे, तो आप ज़रूर जाइए। मैं तो वही करती हूँ, मुझे ज़रा सा भी डाउट होता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मैंने बोला था कि मुझे AMS टेस्ट करवाना है, लेकिन मुझे जब मैंने मैडम को मैंने बोला तो उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया आरती मैम ने कि नहीं आपको नहीं करवाना, आप एकदम नॉर्मल हो, आप क्यों समझ रहे हो कि आप बीमार हो या आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप बस स्ट्रेस फ्री रहो, खुश रहो। तो बस अब खुश रहना है तो भैया काम करना है, इसलिए मैंने वापस घर बैठी थी, मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया कि भैया बिजी रहूँगी तो मैं खुश रहूँगी और मेरे दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से हमको भैया अपने आप को खुश करने का या स्ट्रेस फ्री होने का कहीं ना कहीं खोजना पड़ता है सॉल्यूशन खुद से कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं कि डाइट से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन आए। देखिए बात क्या होता है ना कि मैं कोई डाइट कर रही हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी वो कर लो, आपका बॉडी क्या है, आप किस तरह का डाइट आपको सूट करेगा ये भी है। दूसरी बात है ना गाइस कि मैं जंक फूड पहले ही बहुत कम खाती थी बाहर का, इसीलिए शायद मुझे PCOD बहुत माइनर था, बहुत ही माइनर, मैं जंक फूड बहुत कम खाती थी और मैं शुरू से ना फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाती हूँ, फ्रूट्स मुझे ज़्यादा पसंद थे, तो इसीलिए शायद मेरा हेल्थ इशू उतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो क्या है ना कि अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो तो आप जूस मत लो,
आप उसको ऐसे ही खाओ, मतलब काट के आप ऐसे ही खाओ, जूस मत लो, जूस आपको नुकसान करता है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि मूंग, मूंग हो गया, हरा मूंग हो गया, लाल चने जो हम छोटे वाले बोलते हैं, वो तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, खा ही सकता है, तो उसको आप शामिल करो अगर आपको। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर ऐड करिएगा गाइस, कि आपके लंच में दाल ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल, जो भी दाल आप खाते हो, एक दाल ज़रूर होनी चाहिए। राइस होता है वो थोड़ा सा लीजिए, मतलब इतना कटोरी से ही लीजिए, लेकिन दो रोटी उसमें ऐड करिए। सैलड आप बहुत ज़्यादा खाइए। तो बस यही डाइट है मेरा। मैं दूध के आइटम नहीं लेती हूँ, मतलब मिल्क प्रोडक्ट में नहीं लेती हूँ, पनीर भी बहुत कम लेती हूँ, मैं शुगर नहीं लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने, मेरा तो बस यही डाइट है, और आप भी यही डाइट करिए। और हाँ, अगर मुझे दही लेना होता है तो मैं उसे छाछ बना के लेती हूँ, या फिर मैं क्या करती हूँ ना कि दही में खीरा, टमाटर, इस तरह के वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा ऐड करके रायता बना लिया, वो खा लिया, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप भी वैसे खाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा कुछ हाई फाई डाइट में मत जाइए यार, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, मैं खुद नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, और इतना हम नहीं जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम जितना है, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, जितने में हम डेली कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमको एक दिन नहीं करना, हमको डेली करना है। तो इसीलिए ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन उस वीडियो में पता है मुझे एक चीज़ बहुत कॉमन लगी, ऐसी ऐसी चीज़ें बताते थे जो कि भैया मेरे मेरे लिए तो होता ही नहीं था पॉसिबल। मैं एक दिन करती थी, दूसरे दिन नहीं करती थी। हाँ, एक वीडियो में मैंने देखा था सौंफ की चाय। सौंफ जो होता है वो भी मतलब फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, तो सौंफ की चाय भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि उसमें मधु डाल के पीना था, मतलब एक चम्मच मधु ऐड करके आपको लेना था, और मैं डायबिटिक स्टार्टिंग पोजीशन पर आ गई थी, इसलिए मैंने बिल्कुल भी मधु मीठा अवॉइड कर दिया, तो फिर मैंने उसको भी लेना बंद कर दिया। लेकिन अगर आप ले सकती हैं तो आप सौंफ की चाय ले सकते हैं, उसको कुछ नहीं। अगर आपको एक कप पीना है तो 1.5 कप पानी लीजिए, उसको बॉयल करिए, वो जब थोड़ा बॉयल हो जाए उसमें सौंफ डालिए, वो जब 1.5 कप से 1 कप रह जाए आप उसको छान लीजिए, टेस्ट के लिए उसमें आधा चम्मच आप मधु डाल के पीजिए। बस यही है सिंपल सा फंडा, आप ये चीज़ कर सकती हो। तो इसीलिए गाइस, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और बस ऐसा ही है, और जैसे जैसे कुछ भी मुझे नॉलेज होते जाएगा, आगे मेरी जर्नी जो आ रही है, जो जर्नी में चल रही हूँ, 3rd मंथ मुझे मेडिसिन चल रहे हैं, तो मैं भी अब होपफुली कर रही हूँ कि भैया एक आध महीने में मुझे भी मतलब न्यूज़ मिल जाए। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोगों के भी मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है मुझे सुन के। बहुत सारी महिलाएं बोल रही हैं कि मैम आपके बात से हम लोग काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। तो बस यही है, आप लोग यही करिए, और मैं गायनोवेदा का आपको पेज का नाम भी दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी।